रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख कहा जाता है। यह शिलालेख शक संवत 72 यानी 150 ईस्वी के आसपास का है। इस शिलालेख में सुदर्शन झील की मरम्मत इत्यादि कार्यों का वर्णन किया गया है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी पुष्यगुप्त ने करवाया था। कालांतर में अशोक के शासन में भी इसमें सुधार किया गया था। सुदर्शन झील की मरम्मत का कार्य रुद्रदामन ने जनता पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए ही अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर करवाया था। इसमें इसने प्रजा से बेगार या विष्टि करवाई थी। बेगार का अर्थ होता है कि मूल्य चुकाए बिना श्रम करवाना, और इसी शिलालेख में पहली बार बेगार शब्द का उल्लेख किया गया है।